हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं आयरन फ्लाई के बारे में। कई सारे लोग ऑप्शन जब सेलिंग करते हैं तो वो आयरन फ्लाई में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब आयरन फ्लाई किस तरीके से काम करती है, कैसे आप आयरन फ्लाई को लगातार यूज करके पैसा बना सकते हो, इनफैक्ट इसी वीडियो में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि अगर आपकी आयरन फ्लाई कभी फेल हो जाती है तो आपको लॉस को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या एडजस्टमेंट्स उस वक्त यूज करनी है। सो हम शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर रियांश उपाध्याय। तो अभी तक हमने डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी सीखी, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक्स है, जो बंदा बिल्कुल अभी नया नया आया है मार्केट में उसको आराम से ट्रेड कर सकता है, पर उसमें हमने नेकेड और विद एडजस्टमेंट दोनों सीखी। हमने लास्ट में उसको आयरन फ्लाई पे लाके छोड़ा, जहां पे एडजस्टमेंट की वजह से, आयरन फ्लाई एडजस्टमेंट की वजह से उसका बहुत सारा लॉस बच जाता है। अब क्या होता है, आयरन फ्लाई एक खुद एक स्टैंड अलोन बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है जो इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप्ड है। लोग जानना चाहते हैं कि आयरन फ्लाई क्या होती है, उसको ट्रेड कैसे करना है। मैं इस जगह पे ये करने वाला हूं कि हम आयरन फ्लाई डिप्लॉय करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे और एट द एंड बेस्ट प्रॉफिट निकाल के देखेंगे। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम बिल्कुल भी ऐसा मार्केट नहीं लेने वाले जहां पे हमें सबसे अच्छा प्रॉफिट दिखे। हम सबसे बुरा मार्केट लेने वाले हैं जहां पे वो फंसने वाली हो और उसको फंस के बचा के निकाल के हम कितना प्रॉफिट बना पाएंगे, वो एक सही टेस्ट होगा। क्योंकि मार्केट में हो सकता है 12 महीने में जिस बंदे ने अभी स्टार्ट किया वही महीना खराब हो, तो वो महीना खराब भी हुआ तो आप क्या यहां पे कमा पाओगे, वो हम यहां पे देखेंगे। ये दिसंबर का मंथ है जिसमें हम टेस्ट करने वाले हैं। इसमें मार्केट ऑलमोस्ट 11% मूव किया था। बैंक निफ्टी का 11% मूव बहुत बड़ा होता है। अगर इस वक्त हम देखें तो मार्केट में वॉलिटिलिटी ही 12% चल रही है, वो साल भर की वॉलिटिलिटी उसने एक महीने के अंदर दिखा दी। हम इसमें टेस्ट करेंगे और बेटर रिजल्ट फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग आयरन फ्लाई बनाते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको भी अभी हम दिखाएंगे आपको कि आपको दिखेगा कि आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आप देखोगे आपको 20% से ऊपर के रिटर्न्स देखेंगे। सो 20% के रिटर्न्स जब आप आयरन फ्लाई बनाओगे आपको लगेगा ये तो बहुत बढ़िया, अगर पीक पे क्लोजिंग आ गई। पर बना तो लिया आपने आयरन फ्लाई को, अगर आप फंस गए, मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चला, आपकी रेंज से बाहर निकल गई मार्केट, तो आपको लॉस भी हो सकते हैं। अगर वो लॉस हो सकते हैं और अगर वो बड़े लॉस हो सकते हैं तो उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये इस वीडियो का मेन पर्पस है बनाने का कि अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट जाती है तो आपको क्या करना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप सेव करके रखना, क्योंकि आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, कल आप लाइव मार्केट में ट्रेड ले रहे होगे, फिर आपको याद आना जरूरी है कि इस टाइम पर क्या करना होता है। So, आप नोट्स बना सकते हो, यू कैन सेव दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सिंपल, आयरन फ्लाई को आप डिप्लॉय आराम से कर सकते हो क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं लगना, आपको नॉर्मल कॉल सेल बेचना है और हेजेस बाई करने हैं। बट आपको इसके आगे की चीज सीखने में ज्यादा टफनेस है क्योंकि आप उसके बाद उसको संभाल नहीं पाओगे, आपको लगेगा मार्केट नीचे गया, अरे यार मुझे लॉस हो रहा है, आप कैसे बचे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी हम सिंपली एक डिप्लॉय करके देखते हैं कि आयरन फ्लाई होती कैसी है। तो ये मैंने ऑप्स्ट्रा ओपन किया, ऑप्स्ट्रा पे हम नॉर्मल एक स्ट्रेटजी बिल्डर पे जाके एक आयरन फ्लाई बनाते हैं डायरेक्ट नॉर्मल सी। ये मैंने आयरन फ्लाई ली, यहाँ पे 25 मई की जगह मैं एक्सपायरी अगले लेता हूँ क्योंकि 25 मई बहुत पास में, हम इसको थोड़ा लॉन्गर रन पे देखेंगे। ये 29 जून लिया मैंने और हम लॉट साइज एक फ्रीज पॉइंट पे ले आते हैं 36 लॉट्स। ये हम यहाँ पे आयरन फ्लाई क्रिएट किया हमने, ये देखो ये डायरेक्ट यहाँ पे आयरन फ्लाई आ गई। अब इसको हम जज कैसे करेंगे, आयरन फ्लाई है, हमें सबसे पहले ये देखना है क्या इसमें स्ट्रैडल इसने बेचा है। तो आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से कि इसने एक कॉल बेचा है 18300 का और एक यहाँ पे उसने पुट बेचा 18300 का, मतलब इसने स्ट्रैडल उठाए, कॉल और पुट दोनों को बेच दिया, दोनों की कीमत ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास है। उसके बाद इसने हेजेस कौन से बाई किए, आयरन फ्लाई में हेजेस अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप सिंपल कुछ मत करो, जो आपका ब्रेक इवन हो वो दोनों हेजेस बाई कर लो। तो यहाँ पे आप ब्रेक इवन देखोगे, सिंपली ये ब्रेक इवन तो 18688 और 1700 के आसपास। ये क्या करेगा कि इसने देखो इधर हेज बाई किया 18850 के आसपास, ये हेजेस बाई करने के बाद चेंज्ड अमाउंट है। मैं इसको आपको चेंज करके दिखा देता हूं कि हेजेस आपको बाई कैसे करने हैं, वरना क्या हो गया, डायरेक्ट क्रिएट हो गई है स्ट्रेटजी बिल्डर में, लोगों को समझ नहीं आता है। तो मैं हेजेस हटा के इसमें वापस से इसको लगा के दिखाता हूं जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये हमने ये हटा दी हेजेस, अब ये देखो हेजेस हटाने के बाद ब्रेक इवन आपका क्या आ रहा है, 18881। तो आप इसको राउंड फिगर में 900 ले लो या तो 850 ले लो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ रहा है 17719, ये राउंड फिगर 700 के आसपास आएगा। तो हम 17700 का पुट और 18900 या 850 का कॉल, राइट। तो हम ये ऑप्शन चेन में गए और हमने यहाँ 17700 का पुट बाई किया, सेम लॉट सिमिलर, आपको इक्वल लॉट्स में चारों लेग्स डालने। ऊपर की तरफ हम गए तो 17850 या 900, 850 इज फाइन क्योंकि उसका 115 रुपए प्रीमियम है। ये लो देखो आपको ये ट्रेड इस तरीके की दिखेगी, इसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस है क्योंकि प्रीमियम में हमने 850 ले लिया, अगर आप 900 ले लोगे तो बिल्कुल वैसा दिख जाएगा। लोग इस जगह पे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लोगों को ना बिल्कुल हार्ड एंड फैक्ट रूल चाहिए, कह रहे ऐसा नहीं ऐसा क्यों दिख रहा है, आपने तो ऐसा सिखाया था ऐसा दिख रहा है। देखो आप 900 ले लोगे, बिल्कुल
एग्जैक्ट अमाउंट पॉइंट, तो देखो बिल्कुल सिमिलर बन जाएगा, आपको बिल्कुल गैप नहीं दिखेगा। आपको बस ट्राई करना है ब्रेक इवन के आसपास बाई करो, आपकी आयरन फ्लाई बन जाएगी। अब ये आयरन फ्लाई क्रिएट हो गई, अब आपको यहाँ पे देखना है आपको लगभग 28% प्रॉफिट हो रहा है किसका, मार्जिन का, मार्जिन का 28%। बट कभी भी कहीं भी अगर आपके पास 28 लाख रुपए या 30 लाख रुपए है ना, आपको 25 लाख की आयरन फ्लाई नहीं डालनी। अगर आपको मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरे पैसे लगा दो, पूरे पैसे लगा दो, क्योंकि इसमें अभी हमें एडजस्टमेंट करनी है। अगर एडजस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं होंगे, आपने बिगनिंग में ही लगा दिए, तो आपका फंसना तय है। उसके बाद आपको मतलब कोई भी एडजस्टमेंट बचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के लिए पैसे लगते हैं आयरन फ्लाई में। तो अगर मैं पोजिशन साइजिंग की बात करूं, तो हाफ मनी के साथ आयरन फ्लाई हमेशा हम डालेंगे। अगर आपके पास 5 लाख है तो 2.5 लाख, 10 लाख है तो 5 लाख, 1 करोड़ है तो 50 लाख, जितना भी कैपिटल है उसका हाफ, उसका हाफ आपको डिप्लॉय करना है। उसके बाद जो हाफ बचा वो हम बेसिकली अपने एडजस्टमेंट के लिए यूज करने वाले हैं। एब्सोल्युटली क्लियर। तो अब हम डायरेक्ट दिसंबर मंथ पे चलते हैं, जहां पे मार्केट में सारा कुछ हुआ था। ये हम गए सिमुलेटर पे, सिमुलेटर इज बेसिकली जिसमें हम बैक डेटेड मार्केट पे जाके टेस्ट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी को, वहां पे आपको समझ आएगा सारी चीजें। ये रहा अपना बैंक निफ्टी, हमने निफ्टी का देखा था, तो हम बैंक निफ्टी का बना के दिखाने वाले हैं। हम बेसिकली बैंक निफ्टी, क्योंकि ज्यादा वॉलेटाइल है, उस जगह पे जाओ जहाँ पे परेशानी ज्यादा हो। निफ्टी में हो सकता है अभी हम समझाएं और प्रॉफिट दिख जाए डायरेक्ट, तो लोगों को सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो हम बैंक निफ्टी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा हाई है। ये मैं यहाँ पे एक टिक लगा देता हूँ, ये एक रेंज, यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुई थी इस रेड लाइन पे, इस जगह पे मार्केट स्टार्ट हुई थी सिंपली। यहाँ से हम लगभग 30 दिसंबर जो अपनी दिसंबर की एक्सपायरी होगी वहाँ पे जाएंगे। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी लिया, स्टार्ट डेट हम डालने वाले हैं December 1st, ये आ गया, और जो एंड डेट होगी दिसंबर की लास्ट एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी बेसिकली, ये रहा 29th। एक्सपायरी डेट हम क्या चुनेंगे, दिसंबर ऑफ कोर्स, ये रहा। एक बार को स्टार्ट हुआ। अब ट्रेड स्टार्ट करने का टाइम बहुत मैटर करता है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने बजे ट्रेड डालनी है, तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे मार्केट में एंटर करो जब मार्केट में शांति है। शांति मतलब जहां पे वॉल्यूम लो है, जैसे कि आप मॉर्निंग में करोगे तो 10 बजे के पहले करोगे तो स्कैल्पर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, वहां पे बहुत सारे ट्रेड्स डल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आपको वॉलेटिलिटी मिल जाएगी, आपको ट्रेड लेने में प्राइस चेंज हो जाएगा, और प्राइस चेंज हुआ तो समझ लो आपका थोड़ा बहुत लॉस तो बिगनिंग में हो जाएगा। एंड में लोगे 2:30-3 बजे तब भी ऐसे होते हैं, मार्केट में ट्रेड्स कट रही है, कोई नई ट्रेड्स रोल ओवर करके लेके जा रहा है डिलीवरी में, आपको मिडिल में रहना है। आपको 12-1 बजे के आसपास ट्रेड लो, जहां पे ना लोग या तो लंच कर रहे हैं या तो शांति से बैठे, जिन्होंने मॉर्निंग और एंड के टाइम से बच के 11:30 से 1:30 के बीच में आप ट्रेड ले लोगे तो आपको हो सकता है बहुत कम वॉलेटिलिटी झेलने का मौका मिले। तो हम भी यहाँ पे लगभग 12 बजे के आसपास ट्रेड डालेंगे। ये हम टाइम, जिसने अगर ये पहली बार यूज कर रहा है ना तो थोड़ा धीरे धीरे देखें ट्रेड को, जो लोग ऑप्शन वगैरह यूज करते रहते हैं उनके लिए आसान है। 12 बजे हम 1 तारीख को ट्रेड डिप्लॉय कर रहे हैं। अब डिप्लॉय करने के लिए अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था हमें क्या चाहिए, हमें एट द मनी के कॉल पुट सेल करने हैं और ब्रेक इवन बाई करने हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है देखो 573, 1 तारीख को 12 बजे दिसंबर में 573 पे मार्केट थी। ये मतलब 43,600 क्या होगा इसका, ऑलमोस्ट एट द मनी हो गया। तो हम डायरेक्ट यहाँ जाएंगे 43,600, ये रहा। हम इन दोनों को कितने लॉट्स, 36 लॉट्स फ्रीज पॉइंट पे सेल करेंगे। उसके बाद ये रहा इधर का कॉल सेल, ये हमने दोनों सेल कर दिए। अब अगर हमें आर एन फ्लाई परफेक्टली बनानी है तो हमें जाके सिर्फ ब्रेक इवन देख लेना है और ब्रेक इवन बाई कर देना है। ये देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए बस एक कॉमेंट करके बताने के लिए सवाल है कि इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं अभी तक, यहाँ बताइए स्ट्रैटेजी क्या होती है। हाँ, इसे कमेंट करके बताइए, ठीक है, इससे पता लगेगा आप लोग कितने एक्टिव हैं। ओके, अब हम यहाँ पे ब्रेक इवन देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक इवन अपसाइड का है 45,000 राउंड फिगर, इधर हम देखेंगे तो 42,200, ठीक है। तो हम नीचे पुट बाई करेंगे 42,200 और ऊपर कॉल बाई करेंगे 45,000। ऑप्शन चेन में वापस गए हम, 42,200 का पुट हमने बाई किया एंड नीचे की तरफ हमने बाई किया 45,000, सॉरी कॉल की साइड 45,000 राउंड फिगर, ये रहा। Done. अब आप देखोगे बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी आयरन फ्लाई बनी है यहाँ पे, इसकी रेंज भी काफी अच्छी है, ऑलमोस्ट नियर टू 2,000 पॉइंट्स। आपको मार्जिन पे 8.6 लाख मिल रहे हैं। अगर इसका मार्जिन हम देखें ऑलमोस्ट ये कुछ 21-22 लाख के आसपास लगेंगे। 21-22 लाख पे आपको मैक्स प्रॉफिट 8.6 लाख दिखा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट यू कैन से 30% के आसपास है। 30% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको इसमें मिल जाएगा ये, बट इतना बड़ा अमाउंट होने की वजह से इसमें जो थीटा डीके मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा हायर साइड पे होगा। अगर मैं ग्रीक्स पे जाके दिखाऊं आपको, हमने ग्रीक्स पढ़े थे, ग्रीक्स पे आप देखोगे इसका थीटा ऑलमोस्ट 24-25 हज़ार डेली का है। मतलब मार्केट नहीं भी ली ना तो 25 हज़ार तो आने आपको बिना किसी मतलब के, और ये इंक्रीज होता चला जाएगा
क्योंकि ये मंथ के स्टार्टिंग पे 23,000 है, मंथ के एंड पे ये 2,00,000 पे भी चला जाएगा, इसको हम लास्ट में देखना, आप 2,00,000 भी होगा ये, इवन एक एक घंटे में 2-2 लाख रुपए नीचे चला जाएगा, इस चीज का हमें प्रॉफिट। राइट, क्लियर। ओके, लॉस की बात करें, अभी इस वक्त ये 4,00,000 का लॉस दिखा रहा है, बट हम धीरे 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 इसको करके इसको लोअर साइड पे लेके जाएंगे। लॉस को कम करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, यही हमारा मेन फंडा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, कभी भी आयरन फ्लाई में MTM स्विंग बहुत लो होता है, क्योंकि हमने हेजेस बाई कर लिए। अगर हेजेस बाई है ना, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर गया तो आपका जो पुट्स प्रॉफिट दे रहा होगा ना, उधर जो कॉल में लॉस हो रहा है, पुट का प्रॉफिट और कॉल का हेज, ये दोनों मिलके कॉल के लॉस को कवर कर लेते हैं। इसी वजह से क्या होता है, आयरन फ्लाई में जब तक मार्केट ये जो ग्रीन आपको ग्राफ दिख रहा है, ग्रीन एरिया, इसके बिटवीन में है ना, तो आपको नेग्लिजिबल लॉस होता है। और इसी वजह से आयरन फ्लाई एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको आप बहुत ही लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। आप स्ट्रैंगल बेच लो नेकेड में, आप स्ट्रेडल बेच लो नेकेड में, इनमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम पता है क्या, कि मार्केट नीचे जाता है, लॉट किसी के पास आ जाता है और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाता है, लेकिन वो जो नीचे गया ना, आप उस जगह पे होल्ड ही नहीं कर पाते। राइट, अगर आप होल्ड कर लेते ना, तो आपको तो 10,00,000 प्रॉफिट दिख रहा है, बट बात वही हो जाती है कि अरे यार, मैंने ट्रेड डाली, नीचे गया, मैं फंस गया, ऐसे हो गया, ये नीचे भी जाएगा ना, तो आपको इतना लॉस दिखाएगा ही नहीं कि आपको हड़बड़ाहट में, पैनिक में कोई निकालना पड़े। करेक्ट। तो रूल नंबर वन, जब तक ये ग्रीन साइड के अंदर है, ग्रीन एरिया के अंदर है, हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करने वाले, ठीक है। तो हम पहले उसको वहां तक लेके जाते हैं जब तक ये ग्रीन के अंदर है। राइट, ठीक है। हम एक एक दिन करके आगे जाएंगे, अगर कुछ ड्रास्टिक चेंज आया ग्राफ के अंदर, तो फिर हम बैक करके 30-30 मिनट में चेक करेंगे। राइट, अदरवाइज ये मंथली है, बहुत टाइम खाएगा। तो 1st December था, हम एक दिन आगे जाते हैं। 2nd December, अभी भी देखो ये ग्रीन पॉइंट के अंदर है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। PNL भी दिखाना चाहिए, हाँ, साथ साथ चलेगा। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर दे, जिससे PNL दिखे। करेक्ट, 3,000 का दिख रहा है, ठीक है, अभी जस्ट 3,000 का दिख रहा है। हम 1 day और आगे चलते हैं, 2nd December के बाद 5th December, क्योंकि 3 और 4 की छुट्टी रही होगी। 31 अभी हमें 31 दिखा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट इसने मार्जिन पे 1% तो क्रॉस कर दिया ऑलरेडी। हम एक दिन और आगे चलते हैं, अभी भी ग्रीन के अंदर है। जब तक ग्रीन के अंदर है, हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि लोग फालतू में कुछ भी डिसीजन ना लें। 43,000 आ गया था, 74, ये हमारा मार्जिन का 3% हमें मिल रहा है। राइट, ये मेरे जैसे ट्रेडर के लिए जो थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेड करते हैं, उनका ये बुकिंग पॉइंट है। हाँ। मैंने ये ट्रेड बुक मार दी ऑलरेडी, पर हम तब तक दिखाएंगे जब तक इंसान गलती ना कर रहे। तो बिगिनर हमेशा 8 लाख को देख के क्या करेगा कि अरे यार 4 लाख तो खाई जाऊं मैं, जबकि उसको नहीं पता 4 लाख आपके मार्जिन का 20% है। तो वो ये चीज को थोड़ा देखता नहीं है। अपने को 90,000 मिल रहे हैं, 1,00,000 हो गया, ऑलमोस्ट 4% का प्रॉफिट है। ये अभी तक महीने में ना कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, 12 December आ गए, अभी तक मार्केट वही है, ऊपर जा रहा है धीरे से, फिर नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज स्टार्ट होंगे। राइट, थोड़ा सा ऊपर गया, 60,000 प्रॉफिट, वापस आया 1,42, ये ऑलमोस्ट 6% अपने पास आ रहे हैं, अपने हाथ में 6% है। ये ना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, 6% मेरे वो वाले टाइम है जब बहुत अच्छा महीना जाता है, उसको हम 6% बोलते हैं। राइट, ठीक है। पर बिगनर में मैं भी यही था, लोगों को ऐसा लगेगा अगर 1,00,000 के मार्जिन से ट्रेड करें तो 6,000 ही तो आए। वो एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं देखना है कभी, हमेशा प्लीज ये थोड़ा सा एक टिप ले लो या इसको वार्निंग ले लो, आप हमेशा परसेंटेज में जो भी पैसा आपने लगाया है उसके परसेंटेज के बिहाफ पे अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों कैलकुलेट करो। राइट, अब ये 2,18 हो गया, ये हमें 2,58 मिल रहे हैं। अब ऑलमोस्ट, अब कितना ही हो गया, ये ऑलमोस्ट 10% है। अब 10% पे कोई खुश नहीं है तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। पर हम इसको लास्ट तक बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे, कितना क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है। अब देखो थोड़ा सा ना अप्रोच कर रहा है ये डाउन साइड में, 3,29 का मतलब हो गया ओवर एंड ओवर 12-13% के आसपास। ये देखो मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गया, सीधा 3,00,000 सीधा उड़ गया 3,00,000। अब देखते हैं हम ये कितना बड़ा मूव था, मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा था सीधा 43,300 पे। राइट, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ 42,300, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट। 1,000 पॉइंट जाने पे भी ना आपकी स्ट्रेटजी ने आपको 27,000 का लॉस दिया है। अब मैं ये बोलूंगा सीधे आपको क्या करना है, आप इसके हेजेस हटा दो और सेम यही वाले सिमुलेटर पे 22 तारीख पे जाके देखो, अगर आपने हेजेस बाई नहीं किए होते तो आपको कितना लॉस होता। मेरे हिसाब से लॉस 3,00,000 क्रॉस होता, आपकी वो जो 2,00,000 प्रॉफिट था वो भी जाता, 3,00,000 ऊपर से लॉस भी होता, आपके मार्जिन का एक बड़ा हिस्सा 11% गायब हो जाता अगर ये हेजेस नहीं होते। और आपने इस वक्त जो खोया है वो 27,000 रुपए है।
तो आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि वो एग्जैक्ट लॉस कितना, एग्जैक्ट लॉस कितना है। आप इसके हेजेस हटा के चेक करके बताओ मुझे कि एग्जैक्ट लॉस कितना होता है। हमने हेजेस की वजह से इसमें बहुत बड़ा एक लॉस कंट्रोल कर लिया, अब मार्केट क्रॉस कर दी, अब यहाँ से हमारा रिएक्शन पॉइंट स्टार्ट, यहाँ से हमारा एडजस्टमेंट शुरू, एडजस्टमेंट स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ पे ना एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग ना करते हुए मैंने ये देखा है कि जब भी मार्केट इन ग्रीन एरियाज को क्रॉस करे, आप यहां से आपको कॉल्स बेचने, राइट, अपोजिट साइड से कॉल्स बेचने, क्योंकि मार्केट में आपने सोचा था कि रेंज बाउंड है, मार्केट ने नीचे की रेंज तोड़ी, अब क्या बेचोगे, आप कॉल्स बेचोगे। तो आप बिल्कुल इसको भूल जाओ कि आपने ट्रेड डाली है, अब आपने सिर्फ कॉल्स बेच के ये जो नीचे का लॉस है ना इसको कवर करने का ट्राई करो, दैट्स इट, ये आपका काम है। मैंने एक नॉर्मल वो निकाली है थ्योरी, 120 70 एंड 50, ये लोग याद भी रख सकते हैं, ये याद रखते हैं 120 70 और 50, ये तीनों प्रीमियम आपको फर्स्ट टाइम में जो प्रीमियम बेचनी है जब ये ग्रीन एरिया को क्रॉस करे, किसी भी साइड ऊपर को क्रॉस करे तो 120 रुपए का पुट बेचना है, ठीक है, नीचे को क्रॉस करे तो 120 रुपए का कॉल बेचना है। सिंपली अभी नीचे को क्रॉस किया है तो हम 120 रुपए के आसपास का पुट बेचेंगे, ये जैसे ही पुट 30 रुपए के आसपास आ जाएगा हम इसको बुक कर लेंगे, नया कॉल क्या बेचेंगे 70 रुपए का, ये जब वापस आके 30 रुपए के आसपास आ जाएगा हम इसको भी बुक कर लेंगे, बुक करने के बाद हम फिर से 50 रुपए का बेच देंगे, और एट द लास्ट इसको हम 10-15 जो हमारी मर्जी है वहां पे बुक कर सकते हैं, right. सिर्फ तीन बार, इससे ज्यादा बार आपको शायद ही मौका मिले, क्योंकि तीन बार भी आपने तब किया है जब 120 वाला 30 हो गया, इसका मतलब मार्केट और नीचे जा रही, नीचे जा रही, नीचे जा रही। अगर मार्केट ने आपको ये तीनों बार मौका दिया है, 99% ऑफ चांसेस है कि आपकी ट्रेड में आप थोड़ा बहुत लॉस करके ही निकलने वाले हो। आपका मेन पर्पज मैं आपको बताता हूँ, मार्केट जैसे ऐसे गया 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 गया, मार्केट का एक फेज होता है कि मार्केट हमेशा नीचे जाए या ऊपर जाए, ये एक पुल बैक जरूर आता है, ये पुल बैक ही हमारे प्रॉफिट की कहानी है। अगर वो नीचे जा रहा है तो आप बस ये कॉल बेचते रहो, कोई दिक्कत नहीं, इसका इंतजार करो, जब ये आएगा ना आपको धड़ाम से बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपके पास कॉल सेल है, आपके पास बीच में एक स्ट्रेडल है और पुट सेलिंग भी थी, ये तीनों मिलके एक साथ पैसा देंगे आपको, और थीटा डीके तो लगा ही हुआ है, उसका तो कुछ होने नहीं, वो तो समय है, ठीक है। तो हमें बस इस पुल बैक में प्रॉफिट कमाना है, तो अब हम यहाँ पे सीधे जाते हैं 110-120 का एक कॉल बेचते हैं, ऑप्शन चेन में गए बिल्कुल सिंपली इसी जगह पे, ऑप्शन चेन है ये, इसमें हम लगभग 110-120 वाला बेच रहे हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट है कि ये 120 और 110 जो मैं बता रहा हूँ ये सिंपली इसी महीने के लिए, आपने अगर मान लो अगले महीने की ट्रेड डाली उसका प्रीमियम अलग होगा, तो अगर कोई मंथली ट्रेड डाल रहा है तो उसके लिए तो ये थ्योरी काम करेगी, अदरवाइज इसके अलावा मैं आपको बता दूं आपको 20 डेल्टा के आसपास की चीज बेचनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको 20 डेल्टा के आसपास का कॉल हो या पुट हो वो अगेंस्ट में बेचना है मार्केट के जिस साइड मार्केट जा रही है, सिंपल, आपको मंथली अगले मंथ की किसी भी ट्रेड डाल लो। अब यहाँ पर हम कॉल बेच रहे हैं क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही थी, करेक्ट, अब कॉल जो हम बेच रहे हैं ये हमें फायदा कब देगा, अगर मार्केट गिरती चली जाएगी ऊपर नहीं जा रही तो कॉल जो है वो इरोड होता जाएगा उसका प्रीमियम और हमें बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे, और अगर ये उल्टा होता, अगर मार्केट बढ़ जाती तो हम पुट बेचते, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस साइड पे मार्केट जा रही है। अब यहाँ पर इन्होंने ले लिया, मैंने लगभग 103 रुपए का कॉल बेच दिया क्योंकि फिर बहुत गैप था प्रीमियम में, 103 पे डेल्टा क्या था, 103 पे डेल्टा देखो हम देख लेते हैं ग्रीक्स में, ऑलमोस्ट 25 का डेल्टा है, ऑलमोस्ट नियर टू 25 का डेल्टा होगा, ठीक है, नीचे ऑप्शन चेन पे दिखा रहा, ऑप्शन चेन में ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने डेल्टा एक जस्ट मुझे बताया था, मुझे याद भी नहीं था, 20 डेल्टा, अब देखो हमने एक राउंड फिगर में लिया 102, बट ये कहाँ पे आया, 19 डेल्टा पे, राइट, तो वो दोनों थ्योरी एक जैसी है, आप 20 डेल्टा वाला बेच दो या तो 110-120 के आसपास का बेच दो, आपको दोनों इसी जगह में मिलेगा। अगर हम 120 बेचते तो वो भी किसी को भी हम बेच सकते हैं, तो वो मैंने इतना टाइम इसको ट्रेड किया ना कि मुझे डेल्टा भी रट गया है कौन से प्रीमियम पे क्या है, राइट, ठीक है, तो हमने अभी लगभग 19 डेल्टा का बेचा है। अब आप यहाँ पे चार्ट देखोगे, चार्ट को ये चीज हमेशा जब हम कॉल बेचेंगे ना हमें ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये 1000 गिरी है ये 1000 बढ़ भी सकती है अगले दिन, तो अगर ये पलट के 1000 बढ़ी तो मेरा कुछ लेके तो नहीं जा रही, तो आप यहाँ पे देखोगे अगर ये यहाँ से 1000 पलट के ऊपर को बढ़ी तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट में देखो मैं नॉर्मली प्रॉफिट में ही रहूंगा और लॉस तो बिल्कुल नहीं करने वाला, और नीचे यहाँ पे 102 पॉइंट है, मतलब ये कुछ मुझे 90,000 रुपए का ये प्रॉफिट भी देके जाएगा, तो मैंने लॉस से 90,000 भी खींच ली है नीचे की तरफ से और ऊपर पलटा तो मेरे को लॉस भी नहीं है, ये दोनों चीजें मैंने, आप ऐसी कोई भी चीज नहीं बेचोगे कि अगर ये पलट के उतना ही मूव करे और आपके 2% का लॉस हो जाए, ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको हमेशा ये चीज देख के चलनी है। आगे बढ़ते हैं एक एक दिन करके, और थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ अदरवाइज प्रॉफिट लॉस नहीं देखेगा। ओके, अगले दिन गए हमें 138 के आसपास का लॉस हो रहा है, अब हम पीएनएल पे चलते हैं, यहाँ पे देखोगे आप 102 रुपए सीधा 26 रुपए हो गया है, हमारा नॉर्मल लॉजिक कंप्लीट हो गया, 120 रुपए की चीज 30 रुपए हो जाए हम क्लोज कर देंगे, हम ये लोगों को बताना है, हाँ
हमने 102 की चीज बेची, अगले दिन मार्केट और गिरी और हमारा वो चीज 26 रुपए का हो गया। अब हम इसको पहले बुक करेंगे, ये हमारे लगभग 70,000 रुपए का प्रॉफिट है, ये हमने यहाँ पे बुक किया 26 रुपए पे। अब जो हमें नया बेचना है वो 70 के आसपास का बेचना है। मार्केट नीचे गई है, देखो मार्केट नीचे को जाएगी ना कॉल के प्रीमियम्स घटेंगे और डाउन चले जाएंगे, क्योंकि लोग अब सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग करते हैं तभी तो प्रीमियम बढ़ेगी। तो अगर सेलिंग कर रहे हैं तो प्रीमियम आपको लो 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 मिलती चली जाएगी। तो कभी भी ना, अगर मैंने 70 बोला है तो इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल 70 के पीछे पड़ जाओ, कभी कभी ये होता है कि आपको 50-60-55 में भी काम चलाना, संतोष करना पड़ेगा आपको काम चलाना। बट यहाँ पे लोगों का ये सवाल आएगा, मान लीजिए उन्होंने 102 अभी आपने दिखाया 120 बेचा, तो कितने पे उन्होंने इसे बुक करना है, 50 पे बुक करना है, 40 पे बुक करना है, 30 पे बुक करना है? 30-35 रुपए में बुक करना, 30-35 पे। जैसे यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट 26 रुपए मिल गए, हमने डायरेक्ट बुक कर लिया, तो बट नॉर्मली 35 के नीचे बुक कर लेना। 35 के नीचे आप होल्ड कर रहे हो ना तो आप बेसिकली अपना दिन काट रहे हो, आपको मिलेगा कुछ नहीं। 30 वाले का 70 बेचो ना कि थोड़ा और कुछ मिले। राइट, तो आपने एक प्रॉफिट बुक कर दिया। अब हमारी, अब हम वापस से जाके अब हम देखते हैं 20 डेल्टा के आसपास क्या है, 18-20 डेल्टा के आसपास हम फिर से उसको बेच देंगे। ये आप देखोगे 18 डेल्टा के पास 80 रुपए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं और सेफ्टी रखना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होगा, हमने 43,600 पे स्ट्रेडल बनाया, आप स्ट्रेडल से बहुत नीचे नहीं आ सकते, अदरवाइज आपकी ट्रेड खराब हो जाएगी। राइट, तो हम सिंपली क्या करने वाले, थोड़ा सा नीचे की तरफ बेचेंगे। ये हमने सेल मारा 36 स्लॉट सी, 52 रुपए का। अब आप यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ आपके पास 4 लाख का प्रॉफिट बचा है, नीचे की तरफ आपका लॉस कम होके लगभग 1.5 लाख रुपए लॉस कम हो गया, आपको 52 रुपए मतलब यही कुछ 45,000 रुपए और आपके क्रेडिट हो गए। राइट, ठीक है। अब चलो हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, एरा पे ऑफ। अगर हम ग्रीक्स भी चेक कर लें तो यहाँ पे अभी थीटा हमारा नेगेटिव चला गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पैसे खो दिए हैं और हम बार बार सेल करते चले जा रहे हैं। अभी जैसे एक या दो दिन गुजरेगा ये थीटा वापस से पीक पे चला जाएगा। हम एक दिन और आगे चलते हैं, देखिए लॉस हमारा 1 लाख कुछ से डायरेक्ट कहाँ पे आ गया, 39,000 पे आ गया। क्या हमारे कॉल ने लॉस दिया? अब हमने जो कॉल बेच रखा था उसने 11,000 का लॉस दिया है, फिर भी हमारा लॉस 1.39 लाख से 39,000 ही बचा, 1 लाख हमने कमाई है इस वजह से, क्योंकि जो ऊपर मैंने स्ट्रगल बेच रखा है ना वो और जो मैंने कॉल बेच रखा है वो दोनों मुझे कमा के दे रहे हैं। अब पुट सेलिंग तो प्रॉफिट देगा क्योंकि मार्केट ऊपर गई। एक दिन हम और आगे चलते हैं, हम लॉस से डायरेक्ट वापस से प्रॉफिट में, हमें दिखाना पड़ेगा लोगों को। ये देखिए ऑलमोस्ट 37,000, इसमें एक तरीके से आपके मार्जिन का 1% के आसपास आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे आप कॉल सेलिंग कर रहे हो। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मार्जिन अब वो मार्जिन नहीं रहा जो बिगनिंग में था। राइट, आपने जब डिप्लॉय किया था आपका मार्जिन ये कुछ 20 के आसपास था, अब आप जब आप यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर रहे हो एक्स्ट्रा वाले, वहां पे आपका मार्जिन इंक्रीज हो रहा है बार। राइट, ठीक है। तो अब हम उस मार्जिन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। मैं भी यहाँ पे आपको बता दूं कि नहीं 36,000 आपको 2% मिल रहा है, नहीं, एक्चुअल कैपिटल पे आपको ये 1% मिल रहा है क्योंकि आपने एक्स्ट्रा सेलिंग भी की। राइट, हम धीरे धीरे एक एक दिन और आगे जाते हैं, हमने वो सारा कुछ झेल लिया है जो मार्केट में 1,000 पॉइंट ऊपर, 2,500 पॉइंट नीचे और 2,000 पॉइंट ऊपर आ गया। क्या अब हमारी ट्रेड खराब होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। हमारी ट्रेड में हमारे पास एक पूरी की पूरी रेंज बची है और हमारे पास एक फ्लैट प्रॉफिट है, मतलब हमें 3-3.5 लाख, इसका मतलब 8% का प्रॉफिट हम तब भी घर लेके जाएंगे। तो हमने यहाँ पे हेजेस के साथ मार्केट को कंट्रोल में भी रखा, हमने बड़ा खोया भी नहीं और ऑलमोस्ट हम इस जगह पे पहुंच गए 28 तारीख, मतलब ये बुधवार चल रहा है, दिसंबर का आखिरी बुधवार चल रहा है, एक दिन और बचा है। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये एक दिन भी काट देते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता ये देखते हैं। ये हमने एक दिन काट दिया, मार्केट अभी भी ग्रीन के अंदर ही है। ये कह रहा हमें कुछ चीजें नोट्स में लिखनी पड़ेंगी, आपको भी लिखनी पड़ेंगी। ग्रीन एरिया के अंदर नो रिएक्शन, आपको बिल्कुल ऐसे बैठे रहना है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी हो जाए ग्रीन के अंदर आपको कुछ नहीं करना, कॉल सेलिंग करनी है 120 रुपए की, 70 रुपए की, 50 रुपए की। ये हमने एक राउंड फिगर बताया है सेम मंथ के लिए। अगर आप कोई दूसरा ट्रेड कर रहे हो तो आप बेसिक फंडा याद रखो कि आपको 20 डेल्टा के आसपास की चीज बेचनी है, अपोजिट ऑफ द मार्केट। नीचे गिर रही तो कॉल, ऊपर जा रही तो पुट, ठीक है। बेचने के बाद अगर मार्केट वापस से ग्रीन एरिया में आ जाती है आपको कुछ भी रिएक्शन पॉइंट नहीं देना है। एक ही क्वेश्चन आएगा लोगों का कि मार्केट अगर पलट के सीधा ऊपर जाने लगी तो इस कॉल को काटना कब है? सिंपल इसका आंसर है, जैसे ही मार्केट आपके स्ट्रगल पॉइंट पे पहुंच जाए आपको ये काट देना है, क्योंकि आपने ये कब बेचा,
जब वो नीचे जा रही थी आपके स्ट्रगल पॉइंट से दूर जा रही थी आपने तब बेचा, मतलब जब आग लगी आपको पीक बताया था हमने, वो पीक आप यहाँ से देखो 43,600 जो पी और कॉल बेचा है आपने, यहाँ पे अगर मार्केट पहुंच गई रिटर्न आपको ये काट देना, क्योंकि इसका फिर कोई यूज नहीं है। आपने जिसके अगेंस्ट में बेचा था वो काम तो खत्म हो गया ना, आपने सिर्फ आग जहाँ पे लगी थी बुझाने के लिए यूज किया था ना, अब आग बुझ चुकी है, इसको हटा दो। राइट, ठीक है, अगर वहां तक मार्केट नहीं पहुंच गई तो आपका कोई फिर यूज नहीं, आप छोड़ दो उसको। अब यहाँ पे तो 29 दिसंबर के 12 तारीख हो गई, आपको 90,000 रुपए मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको थीटा का जादू देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे ग्रीक्स पे आपको दिखा दूं, इस वक्त थीटा है 291, मतलब 2.91 लाख, और कितनी देर के लिए, 12:29 के लिए, 3.5 घंटे बचे, 3.5 घंटे का डेल्टा ये 3 लाख दिखा रहा है और 90,000 का प्रॉफिट अभी चल रहा है। मैं इसको 30-30 मिनट आगे करता हूँ, आप देखना कि ये क्या करता है। हर आधे घंटे में 90,000, आधा घंटा बीत गया 90,000, 1:26, 1:76, और मार्केट भी मूव कर रही है, अगर आप मार्केट भी मूव करे 2.65 लगभग 2.56 के आसपास, 2.5 लाख, 3 बजे 3:43। अब वो 3:48 तो आने ही था, अब हमने पूरा का पूरा खा लिया और ये आपके मार्जिन पे ऑलमोस्ट 11-12% के आसपास है। बट अब कई लोग ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में 8 लाख था, बट अगर आपने एडजस्टमेंट्स करी इसलिए आपको वो मैक्स करेक्ट कम हो गया। क्या होता है एडजस्टमेंट्स, कभी भी एक तरीके से एडजस्टमेंट, पता क्या होता है एडजस्टमेंट का मतलब होता है बचाना, लॉस से बचाना, लॉस से बचाना। आप अगर कभी ये सोचो कि मैंने 10 एडजस्टमेंट की और आप वहां पे बड़े प्रॉफिट में भी निकल जाओ, ये गलत बात है। आप अपने ही प्रॉफिट से एडजस्टमेंट कर रहे होते हो, तो जो 8 लाख का प्रॉफिट था ना, हमने एडजस्टमेंट कर करके उसी 8 लाख को खर्चा किया है, तब जाके 3.48 बचे। कोई अगर आपको ये बोले कि एडजस्टमेंट करके हम बहुत बड़ा प्रॉफिट इंक्रीज कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। एडजस्टमेंट की है आपने, पहली बार तो चार्जेस इंक्रीज किए, बहुत कुछ किया, उसके बाद आपने हर मूव पे रिएक्शन दिया, ये गलत बात है। मार्केट हमेशा जिगजैग फॉर्म में चलता है, अगर आप नीचे गिरते हुए अलग रिएक्शन दे रहे हो, फिर वो थोड़ा सा बड़ा आपने फिर रिएक्शन दिया, आप जितने ज्यादा रिएक्शन देगे आपकी ट्रेड उतनी ज्यादा खराब होती चली जाएगी। इसी वजह से मैंने बोला कि ग्रीन एरिया में शांत रहना, क्योंकि आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो वही बहुत बड़ी बात है। आप देखो 12 बजे अगर आप रिएक्शन दे देते कि यार ये तो नीचे वो गिर रहा है, मेरा 90,000 का प्रॉफिट है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, 90,000 की जगह आपको 3.45 मिले, तो आपको जहां सिर्फ 2% मिल रहा था आपको 11% मिले, जस्ट बिकॉज ग्रीन एरिया में हम शांत बैठे थे। राइट, तो जो पेशेंस लेवल है ना उसकी वजह से आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट मिलते हैं। अब ये जो 3 लाख रुपए है ना, इसने आपका जो इक्विटी कर्व है उसको 2 महीने आगे कर दिया। अब अगर अगले महीने आप थोड़ी सी गलती भी कर लोगे ना, ये आपको बचा के रखेगा। राइट, आपको उसके अगले महीने प्रॉफिट होगा। तो इक्विटी कर्व को हमारा मेन गेम यही है कि इक्विटी कर्व को हम ऊपर लेके जाए, चाहे वो कैसे भी जाए। अब देखो ये जो फेजेस है ना, जस्ट लाइक मार्केट ही चलता है, ये हमारा इक्विटी कर्व है, ये आएगा ही आएगा, आप इससे बच नहीं सकते। लेकिन जब तक आप ये बुक नहीं करोगे ना, अगर मैं उसको 90,000 में बुक कर लेता तो ये जो पीक लेवल है ये बनता ही नहीं कभी। मुझे चाहिए 3.5 लाख का, 4 लाख का, 10 लाख का प्रॉफिट, तभी ये पीक बनेगा, क्योंकि मुझे ये खोना है, क्योंकि मार्केट तो लेगा। अब ये खोना जो डिपेंड करता है ना, ये आपके हेजेस पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको बिना हेजेस के ट्रेड करोगे ना, आप कमेंट बॉक्स में देखना, आपको लॉसेस ही लॉसेस दिखेंगे। 3-4 लाख इतने का तो लॉस हो गया होता उस नॉर्मल से, 100% और इतने में बंदा बाहर निकल जाता, इतने में बंदा बाहर निकल जाता। तो आपको ट्रेड में रुकना भी है और ट्रेड में प्रॉफिट भी कमाना है। ये 3 घंटे में उसने लगभग 2 लाख के आसपास का आपको, 2 या 2.5 लाख रुपए के आसपास का थीटा दे दिया। बस पेशेंस का गेम है, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियरली समझा दिया। टिप के लिए यही बताऊंगा, ट्रेड को एक्सपायरी के 2 दिन बाद डालो, मतलब जैसे आपने दिसंबर में डाली तो जनवरी की जो एक्सपायरी हुई ना उसके 2 दिन बाद डालो। 2 दिन भी क्यों, एक्सपायरी खत्म हुई है, मार्केट में रोल ओवर्स आएंगे, मार्केट अपना ना नया सेंस ऑफ मार्केट बना रहा होगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, उसके लिए मार्केट में ना पोजीशंस क्रिएट हो रहेंगे, तो उस बीच में ना ट्रेड मत डालो अपनी। हो सकता है वो 1-2 दिन थोड़े तेज मूव हो, इंपल्स मूव हो, 2 दिन छोड़ दो, उसके बाद ट्रेड डालो। तो हमने दिसंबर की 1st को डाली क्योंकि जनवरी 25 को खत्म हो गया था, दिसंबर अब जैसे 29 को खत्म हुआ है तो आप जनवरी की ना 2 या 3 को डालो, ऐसा करके ट्रेड डालो कि आपको आराम से मिले। दूसरा, पीक टाइम में ट्रेड मत डालो, 11 से 1 के बीच में ट्रेड डालो। उसके बाद एडजस्टमेंट की जल्दबाजी मत करो, जब तक वो ग्रीन एरिया के बाहर ना जाए कोई भी जल्दबाजी नहीं। जिस साइड ग्रीन एरिया के बाहर गया, डेल्टा 20 डेल्टा याद रख लो, आपको 20 डेल्टा का बेचना है, दैट्स इट। मार्केट कैसे भी हो, किसी भी टाइम हो, किसी भी वक्त हो, 20 डेल्टा बेचना है। उस 20 डेल्टा को आपको 30 रुपए के आसपास बुक कर लेना है। 30 रुपए भी इसलिए क्योंकि अगर आपने 20 तारीख को किसी एक्सपायरी में 30 रुपए की चीज होल्ड करके रखी है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं देने वाली, क्योंकि उसको जीरो होने के लिए भी 10 दिन बाकी है। तो आपको थोड़े हायर प्रीमियम पे रहना है क्योंकि आपको लॉस भी कवर करना है। राइट, ये सिर्फ 3-4 पॉइंट्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा सिर्फ प्रैक्टिस है। मैंने आपको दिसंबर दिखाया है, आप इसी सेम चीज को पूरे 12 महीने ट्राई करके देखो और कमेंट बॉक्स में डालना कि आपको क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ ओवर द ईयर। ये ऐसी स्ट्रेटजी है कि आपको ओवर द ईयर या ओवर द 6 मंथ्स ही काउंट करना है। अगर आप इसको हर मंथ बेसिस पे करोगे काउंट, कह रहे 1 महीने में फेल हो गया और आपने छोड़ दिया, आपने अपना खुद का बहुत बड़ा लॉस किया है। आप पूरे 12 महीने करो, आपको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देखी जाएगी। अगर हम बैक टेस्टिंग की बात करें तो ये ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 60% के आसपास ईयरली प्रॉफिट देती है।
अगर आपने बहुत अच्छे एडजस्टमेंट नहीं किए, अगर आपने बहुत अच्छे से किया है तो इवन 100% देने का भी ये वो रखती है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल लगी होगी। एक्चुअल में ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है उन लोगों के लिए जो मार्केट से लगातार पैसा बनाना चाहते हैं। सी अगर आपके पास एक डिसेंट कैपिटल है सो आपको स्ट्रैटेजी बनाना तो सीखना ही है, स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना भी सीखना है, जो कि रियांश ने इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया है। आप इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो अभी तो स्ट्रैटेजीज की ये प्लेलिस्ट शुरू हुई है, अभी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिलना आपको बाकी है। तो अभी आप आने वाली वीडियोस में कैलेंडर सीखेंगे, आप पुट रेशियोस स्प्रेड्स बनाना सीखेंगे, आप क्रेडिट स्प्रेड सीखेंगे, डेबिट स्प्रेड सीखेंगे, तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि उन वीडियोस को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो वीडियो के लिए वेट कर सकते हैं तो आप अपना बहुत पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगा के टाइम लगा के सीखते हैं वो आपको फ्री में इस चैनल पर सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा उन सब लोगों के साथ जिन लोगों को ये वीडियो देखना जरूरी है आपको लगता है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए टू स्प्रेड द अवेयरनेस। फाइनली अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट बनवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफरल अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।